दोस्तों मैं हूं आपका उठा लड़का, नई वीडियो देखिए आपके सामने फिर से हाजिर हूं। अच्छी जो हमारी वीडियो है वो वीडियो होंडा वर्सेस स्प्लेंडर हीरो। तो देखो अगर मैं बात करूं हीरो स्प्लेंडर की, तो हीरो स्प्लेंडर के अंदर हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, वहीं पर अगर मैं बात करूं होंडा सीरी 110 की, तो देखो अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं होंडा 110 की तरफ जाऊंगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों ही बाइकों के अंदर इंजन की बात करें, तो इन दोनों बाइकों के अंदर आपको स्प्लेंडर के अंदर आपको 97 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल V6 FI आपको इसके अंदर इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा 8.1 PS एट 8500 RPM, वहीं पे मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगा 8.05 Nm एट 6500 RPM पर। यहीं पे मैं बात करूँ होंडा सी डी 110 के अंदर, तो इसके अंदर आपको 109 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल V6 FI आपको इसके अंदर इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देता है वो निकाल देता 8.5 PS की पावर निकाल के देता है एट द रेट 7500 RPM पर। वहीं पे जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देता है वो निकाल के देता है 9.09 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको जो बोर है वो 50 mm का मिलेगा, वहीं पे आपको स्ट्रोक जो मिलेगा वो मिलेगा स्प्लेंडर के अंदर आपको 49.5 mm का मिलेगा, वहीं पे जो स्ट्रोक है आपको 55.6 का, यानी कि आपकी जो बाइक है इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। दोनों ही के अंदर आपको चैन डाई मिलने वाली है, इसके अंदर आपको दोनों ही बाइकों 2-wall की होने वाली है। अगर देखा जाए इन दोनों के अंदर, तो इन दोनों बाइकों के अंदर आपको दोनों में ही ड्रम ब्रेक मिलेंगे, फ्रंट में भी रियर में भी। होंडा के अंदर आपको CVS सिस्टम मिलेगा, लेकिन हीरो के अंदर आपको IBS सिस्टम मिलेगा। दोनों ही सिस्टम सेम है, कोई अलग वाली बात नहीं है। अब मैं अपना बता दूं कि मुझे ये बाइक क्यों पसंद आती है, तो देखो इसका रीज़न ये है कि जो होंडा की है, होंडा की 110 cc की है, आपको इंजन थोड़ा पावरफुल मिल जाता है, पावर ज़्यादा है और टॉर्क भी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपको दोनों ही बाइकें सेम माइलेज निकाल के देती है। मेरे से अगर पर्सनली कोई पूछता मैं कहता हूँ अगर तुम्हें भाई स्प्लेंडर इंजन अच्छा चाहिए तो अभी आप होंडा की तरफ चलो, क्योंकि पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है और माइलेज दोनों ही बाइकों का सेम है। तो जब पावर और टॉर्क उस बाइक में ज़्यादा मिल जाए तो फिर क्यों 97 cc की बाइक में जाना, जब आपको 109 cc की आपको इंजन मिल रहा है। तो वही चीज़ है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आती लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो मैं आपको हर बार करके पहुंचा गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसको भी जरूर सब्सक्राइब करना।